नमस्कार बारवाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करुछु आथरे प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट टू यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर धामरारू चांदीपुर भितरे लैंडफॉल करिबो बात्या यस आगामी 24 घंटा मध्यरे नेबो अति भीषण बात्यार रूप 26 तारीख मध्याह्न रे छुइबो स्थलभाग राज्यवासियों एका सांगे दुईट विपदर मुकाबला करने को हेबो बात्या यश को नहीं राज्यवासी को मुख्यमंत्री संबोधन प्रशासन को सहयोग करने को लोकों कले निवेदन बात्या पूर्व प्रस्तुति कटक भुवनेश्वर ओड्राफ टीम सजाग ट्विन सिटी रे तुहाकु तुहा पवन सह वर्षा लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतर उपरे सीएमसी रो गुरुत्व बात्या पूर्व बही ने अत्यावश्यक सामग्री पर बजार में प्रबल भिड़ ग्रोसरी ठू आरंभ कर परिवा दोकान में लंबा लाइन कोविड नियम को भूलीगले लोके समाज सेवे स्वास्थ्यकर्मी चाकरी छाड़ करुंट लोकों सेवा शव सत्कार मृतकों पर सहायता कर चर्चा मधुस्मिता पुष्टि वर्षक भितरे दाह कले 400 शव संपूर्ण खबर को अति भयंकर रूप ने माड़ी आसुच्छे बात्या आयास पारादीप ठारू 520 किलोमीटर एवं बालेश्वर ठारू 620 किलोमीटर दूर रही बात्या आयास अति भयंकर सामुद्रिक झड़र रूप नेबा परे आसंता 26 तारीख मध्याह्न रे एही बात्या पारादीप और सागर द्वीप मध्य बालेश्वर लैंडफॉल करिबो पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग तेबे बात्या आसिबा पूर्वरु वर्षा और पवन आरंभ हो जाइछि केतेक स्थान रे गच्छ मध्ये उपड़ी पड़ी बारंबार बात्या को अति निकटर देखि आसुथिबा ओडिसा पई एबे बड़ चैलेंज होइछि एही बात्यार मुकाबला करिबा बात्या यस आसिबा पूर्वरु ये होछि तार प्रभाव धामरा रे पवन और वर्षार ए दृश्य देखिले सहजरे अनुमान करा जाई पारे केते भयंकर रूप नहीं माड़ी आसुच्छे यस बालेश्वर गछ उपड़ी दुर्घटना परर ये हूँ दृश्य प्रबल बेगरे पवन बहवा सह वर्षा आरंभ हो बड़ बड़ गछ उपड़ी पड़ी यस आसवा पूर्व डरवा आरंभ कर अति सांघातिक रूप नहीं उत्तर उपकूल मुहा बात्या यस एवं बात्यार रूप नहीं सारी आगक आगक बढ़ुच यस आसंता 12 घंटा मध्य सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा भयंकर सामुद्रिक झड़ में परिणत हो परवर्ती 24 घंटे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा अति भयंकर सामुद्रिक झड़ में परिणत हो यस ए सामुद्रिक झड़ 26 तारीख मध्याह्न में पारादीप और सागर द्वीप मध्य बालेश्वर में लैंडफॉल कर लैंडफॉल बेलू पवन रेग रु 165 किलोमीटर पवन रेग वृद्धि पाई 185 किलोमीटर पहुँचवार आशंका करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग आज संध्या जाए यह धीर गति रे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे जीवो तापर यार दिग से उत्तर उत्तर पश्चिम रहिबो किंतु यार बेग धीरे धीरे बढ़िबो काली यह 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे उत्तर उत्तर पश्चिम को मुहाइबो एवं काली संध्या सुद्धा यह गोटे अति प्रबल बात्या बा भेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रे परिणत होवार आमे अनुमान करुछु एवं एहा एही उत्तर उत्तर पश्चिम दिगर गति को बजाय रखी 26 तारीख दुपहर समय रे उत्तर ओडिशा उपकूल एवं यार निकटस्थ पश्चिमबंग उपकूल को पारादीप एवं सागर द्वीप मध्य रे बालेश्वर पाखापाखी अतिक्रम करिवो बात्यार प्रभाव रे उपकूल जिला बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर रे आरंभ हो जाइछि वर्षा पवन बहुत वर्षा भी होगा नहीं भयभीत हो पड़ते उपकूल अंचलवासी बात्यार प्रभाव में भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो 26 तारीख में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज जगतसिंहपुर कटक जाजपुर और केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर पाणिपाग केन्द्र कल हमारा रेनफॉल एक्टिविटी इनक्रीज होगा इसमें कोस्टल उड़ीसा का बालासोर भद्रक जाजपुर केन्द्रपड़ा जगत सिंहपुर कटक पुरी खोर्धा
ये सब डिस्ट्रिक्ट में फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। इसका साथ मयूरभंज ढेंकनाल गंजाम डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी रेन का चांसेस है। फिर 26 में रेनफॉल एक्टिविटी और भी इंक्रीज होने का चांसेस है। इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मीनिंग होता है 20 सेंटीमीटर और मोर 24 आवर्स में जो रेनफॉल टोटल होता है उसको एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं। गोटे पर गोटे बात्या देखिता ओडापी एवं बड़ चैलेंज होश्र सामना करवा। भुवनेश्वर कविता स्वाई दिव्यज्योति महांति रोशन रथ प्रदीप्त महापात्र सहित बालेश्वर प्रकाश महांति संतोष जेना पुरीर आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अति भयंकर रूप ने माड़ आसुचे बात्या आयास एथिपाई समस्ते प्रस्तुत रही विशेषकर राज्य सरकार पक्षर कहुची समस्ते सुरक्षित रुहतु एथिपाई लोकों को बारंबार निवेदन करा जाउछि। जो माने बात्या आश्रयस्थल को आसिबा को चाहुछते सेमाने यथाशीघ्र आसंतु एवं सुरक्षित भावरे सेठारे मध्य डबल मास्क को व्यवहार करंतु अर्थात धामरारु चांदीपुर भितरे लैंडफॉल करिबो बात्या यस। एही 24 घंटा भितरे अति भीषण बात्यार रूप नेब। 26 तारीख मध्यान छुईब स्थलभाग तेज अति भयंकर रूप ने माड़ी आसुची बात्या यस। वर्तमान जो अपडेट आसुच्छे पारादीप ठारू 520 किलोमीटर एवं बालेश्वर ठारू 620 किलोमीटर दूर रे रहिछि एही बात्या यस। अति भयंकर सामुद्रिक झड़र रूप नेबा परे आसंता 26 तारीख मध्यान रे एही बात्या पारादीप और सागर द्वीप मध्य बालेश्वर लैंडफॉल करिवो बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाक विभाग। तेज बात्या आसिबा पूर्वरु वर्षा एवं पवन मध्य जोरदार आरंभ हो जाइछि। बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर मयूरभंज ए सबु स्थान में प्रबल वर्षा देखा मिली। वर्षा होगा सहित बड़ बड़ गच उपुड़ी पड़े रास्त पड़ी ए दृश्य आसी केतेक स्थान में वर्षा पवन होबार दृश्य सामना को आसी। बारंबार बात्या निकटर देखिता ओडावासी आउ एक चैलेंज अर्थात दुई दुईट विपद एवं सामने विशेषकर बात्या किभली मुकबिला करवा से नहीं समस्ते सतर्क रहा सहित सुरक्षित रहिबार आवश्यकता रही कहीं गोटे पटे कोरोनार भयता अंपटे बात्यार भय। बात्या जो कथा कहुच्छे धामरारू चांदीपुर भितर लैंडफॉल करत्या यास। बात्या यस को नहीं राज्यवासी को संबोधन कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य एवं एक समय दुई दुईट विपद अर्थात कोरोना महामारी और बात्यार सम्मुखीन करुच्ची विपदर मुकाबला करने को राज्य सरकार प्रस्तुत अच्छा लोक मान प्रशासन को सहयोग करने को से निवेदन करते से 4.5 कोटी ओडिया पर परिवार सुरक्षा तांकर प्राथमिकता। राज्य एवं एक समय दुई दुईट विपदर सामना कर गत एक वर्ष मध्य अधिक समय धरी कोविड विरोध में लड़े जारी रही। समय यस बात्या आमपाई एक बड़ आह्वान पलटि आमको एहाकु सामना करिबाकु पड़िबो। गत वर्ष आमे मध्य कोरोना सहित अम्फान बात्यार सम्मुखीन होइथिलु ओ ताहार सफल सामना करिथिलु। बात्या ओडिसा पई नुआ नुहे किंतु आमको सतर्क रहिबाकु हेबो। सामान्य अवहेला बड़ विपद को टाणी आनिबो एणु लोक माने प्रशासन को सहयोग करिबा सह बात्या आश्रय स्थल को चली जासंतु। आश्रय स्थल रे भी लोक माने डबल मास्क व्यवहार करंतु एहा सहित बारंबार साबुन रे हात धोंतु वो सानिटाइजर व्यवहार करंतु। नमस्कार। सारा मानव जाति वर्तमान एक कष्टकर समय देई गति करूछि। गत एक वर्षरु अधिक समय धरी कोविड विरोध रे हमर लड़ाई जारी रही। वर्तमान आहरी एक विपद साइक्लोन यास आम पाई एक बड़ चैलेंज हो एक समय रे दुई दुईटी बड़ विपद साइक्लोन और कोविड रो मुकाबला आम को करिबाकु हेबो। गत वर्ष मे मास रे मध्य आमे कोविड सो साइक्लोन अम्फान रो सामना करिथिले। आपण मानक सहयोग रे आमे सफलता सह से परिस्थिति रो मुकाबला
करिथिले बात्या ओडिसा पई नुआ नुए तथापि आमको सावधान रहिबाको हेबो सामान्य हेला बड़ विपद सृष्टि करि पारे सरकार बात्या और कोविड दुईटी जाक परिस्थिति रो मुकाबला पई संपूर्ण प्रस्तुत अछंती माड़ी आसुच्छे बात्या यास एहार प्रभाव रो राज्यर विभिन्न स्थान रे तुहाक तुहा पवन बहिबा सह आरंभ हो जाइछि अनेक पवन तबे एही खबर देखिबा किंतु प्रथमे ब्रेक दबा ब्रेक परे स्वागत माड़ी आसुच्छी अति भयंकर बात्या यस यहाँ प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में तुहाकु तुहा पवन सह वर्षा आरंभ हो जाए तेज बात्या को दृष्टि रखी कटक रे व्यापक प्रस्तुति करा तलिया अंचल जल निष्कासन पदक्षेप निया बिजुली और खाद्य पानी जोगाण गुरुत्व दि जा प्रस्तुति वर्षा प्रभाव में कटक विभिन्न अंचल जलमग्न होवार आशंका रही तेणु सीएमसी पक्षर व्यापक पदक्षेप नि कटक तली अंचल वर्षा पा जमार संभावना रही एथर तली अंचल को सर्वमोट 102 पंप पठा पंप सहायतार तली अंचल पा निष्कासन कर 26 तली अंचल को चिह्नट कर सबु स्थान लोक सुरक्षित स्थान को स्थानातर हो तेरे महामारी थिबारु सेमानंको कोविड टेस्ट करा जिवो सरकारंक निर्देश क्रमे सेमानंकु रंधा खाद्य सह पानीय जल जोगाई दिया जिवो बोली सीएमसी कमिश्नर कहिचंती बात्या पय हमें प्रस्तुत छु हमरो जो जो पंप्स अछि पंप्स को ऑलरेडी प्री पोजीशन कर दिया जाय छि फील्ड को पठाई दिया जाय छि तांकरु फ्यूल अरेंजमेंट सब करा जाय छि 26 वल्नरेबल क्लस्टर्स आइडेंटिफाई होती अलग अलग स्कूल्स रे शिफ्ट करा जेबो जदि दरकार पड़े तो आमर रोड क्लीयरेन्स अलग टीम बनाई आरएनडी तरफ पीएचडी तरफ व्यवस्था करा 195 टा पंपिंग स्टेशन अच्छी डीजेल सेट डीजी सेट सब अरेंज करा आउ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस करा टीपीसी और डीएल रु जो रिस्टोरेशन सब व्यवस्था करा अन्यपटे कटक रे 4 ओड्राफ टीम को रिजर्व रखा जाय छी एही टीम को बात्या लैंडफॉल करबा परे किंबा एहार ठीक पूर्वरु अधिक प्रभावित हेबा गुथिबा स्थान को पठा जिवो बात्या परे किभळी लोकों को उद्धार करा जिवो किंबा गच्छ पडिथिले एहा को सफा करा जिवो से दिगरे ओड्राफ टीम कार्य करिवो वर्तमान बात्या को आखि आगे रखी समस्त 20 ओड्राफ टीम प्रस्तुत है कि निज निज जगह से माने ऑलरेडी पहुंची सारे एवं सेठरु से माने विभिन्न छोट छोट टीम है कि एपर 60 टीम रे से माने मुतन है कि विभिन्न डिफरेंट वल्नरेबल प्लेस गुडा जो बहुत ब्लॉक हो किंबा तहसील हो सेठी जाय कि से माने ड्यूटी करबे वर्तमान रिजर्व अछंती 6th बटालियन कटक रे 3टी यूनिट 4 गोटी थिला वर्तमान अल्प समय मध्य रे आ गुडे यूनिट पळेबो भद्रक एवं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अनुसार एसआरसी को इंस्ट्रक्शन अनुसार से माने डिप्लॉय हेबे बंगोपसगर रे सृष्ट लघुचाप बालेश्वर रे लैंडफॉल करिवो तबे बात्या प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा आरंभ हो जाइछि बड़ बड़ गच्छ उपुड़ीबा सह तुहा को तुहा पवन बहुछि कटकरु विश्वजीत दासंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज यस बात्या चिंता अत्यावश्यक सामग्री किणिबा पई बाजार रे लागिला लोकंक भिड़ बात्या संभावना थिबा जिला गुड़ी करे आज अत्यावश्यक सामग्री किणिबा पई लंबा लाइन लगाइथिले लोके गोटिए पटे सप्ताहांत सटडाउन सरिबा ओ अन्य पटे बात्या यसर भय पई आज दोकान मानकरे लागिथिला नाही नथिबा भिड़ बात्या पई सरकार 2 घंटा अधिक समय देइथिबा बळे हाट बजार रे देखिबा को मिलिथिला प्रबल गहळी सटडाउन ओ लॉकडाउन मधेरे संभाव्य बात्या चिंता मारी आसुची बात्या यस शेष होइची सप्ताहांत सटडाउन शनिवार रविवार बंद रहिथिला दोकान बजार कोरोना कटकणा पे राज्य रे जारी रही सप्ताहांत सटडाउन बात्या पे अलर्ट सह 2 घंटा कोहल पर बजारे लगीला आज नाही नथिबा गहळी ए दृश्य होची जगतसिंहपुर केमिति बजारे लगी भिड़ लक्ष्य करंतु संभाव्य बात्या यस को नहीं जगतसिंहपुर जिला को हाई अलर्ट जारी करथिया लोक मानक मधेरे एक भयर वातावरण खेली जाइछि पूर्व निर्धारित समय अनुसार अत्यावश्यक सामग्री किणिया पई सकाळ 7:00 रु दिन 11:00 पर्यंत धार्य कराइथिला
କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଧିକ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହି ସମୟ ମିଳିବା ପରେ ଲୋକେ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ପରିବା ମାର୍କେଟ ହେଉ ବା ସଉଦା ଦୋକାନ, ସବୁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, ସେମିତି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି କିଛି ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସେତେ ଅଧିକା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଳୁ କିଲୋ 16 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କିଲୋ 22 ଟଙ୍କା, ଆଉ କଖାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ପୋଟଳ ଆଣିଲି କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା। ଏତିକି ଜିନିଷ କିଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣି ନାହିଁ। ଆଉ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଲେମ୍ବୁ 5-6 ଦେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକା ରେଟ୍ ନାହିଁ। କୁନ୍ଦୁରି ତ ନେଲି ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ନେଲି 17 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଯେଉଁଟା 30 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା, ବାଇଗଣ 20 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 40 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା 60 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶସ୍ତା ଚାଲିଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ଟିକିଏ ରେଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ହଠାତ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆସିବନି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ ଆସିବନି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବେ, ଆଉ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ବଢ଼େଇବେ ଆଉ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ସହର। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟାର ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପରିବା ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛୁ ବାତ୍ୟାର ପାଇଁ, ଘରେ ନେଇକିନା ଟିକେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବୁ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ। ଯେଉଁ 2 ଦିନ ସଟଡାଉନ୍ ପୁରା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଜି ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇ ବା ଇଏ, ଲୋକମାନେ ବି ଭିଡ଼, କିଛି ଲୋକ ମାନୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଆଗେ ମାନିଲା ସିଏ ଭଲରେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଛୁ କେମିତି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା କଟକଣା, ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍। କରୋନା କାଳରେ କିପରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜନତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ରେ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଆଉ କିଛି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯେଉଁଠାରେ କି ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା। ପ୍ରଭାତ, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଜା ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡାଙ୍ଗମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ସେଇ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କଚା ଘର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଳ ଛପର ଘର ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେହି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛି, ନୂଆତା ବାଟିଆ ପାଖରୁ ପୁରା ପ୍ରଭାତୀ ଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆସିନେ ଆମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ ନା, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ, ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେଇ ମଝିରେ ଆସିକି ଆମର ଦେଖୁଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଉ ନବୀନ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଦେବେ, ନୂଆତା ବାଟିଆରୁ ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ଟେଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ନଈ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଇ ପୁବାଡ଼ି ଉତ୍ତରା ପବନ ହେଲା ମାନେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ଘାଇ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନୂଆତା ପାଟିରୁ ଆମର ସେ ପ୍ରଭାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଚାଷବାସ ଆମେ କରୁଛୁ। କେତେଟା ମାନେ ନୂଆତା ପାଟିଆ ପାଖରୁ ଆମର ରହିଗଲା ତାଳୁଚୁଆ, ଏଠି ପ୍ରଭାତୀ ଲାଇନ୍, ସବୁ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ବେଳା ରହିଲେ ହେଲା, ସବୁ ଚାଳ ଘର ଆମର ସେଠି ରହିଛି, ଯଦି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କୋଠା ଘର କି ଗୋଟା କେଉଁଠି ଦେଇଥିବ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରି ଯାଉଛୁ, ନଈ ଦୁଇ ପାଖରେ ବନ୍ଧଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଡ଼ିଆ ସାର୍ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟ ଆସିକି
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନଚିତ୍ରଟା ଦେଖେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ ମାନଚିତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନା ଆମେ ଗଈ ପାଖରେ ଆମର ଘର, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ? ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ତ ଭାସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେବ, ନଈ ଦେଖରେ ପୁରା ପାଣି ମଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବାଟ ପାଉନୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠୁ ଆମ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଏଠୁ। ଆଉ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଧରିକି ଯିବୁ? ଏ ଚାଳ ଛପର ଘରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛୁ, ଲୋକେ ଏବେଠୁ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି। କାହିଁକିନା ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ତ ଲୋକେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି, ଆଉ ଲୋକେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସମୟ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଛି, ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ରଙ୍ଗଣୀ ତାଳଚୁଆ ଏବଂ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁ ସମୟରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ତିତିଲି ହଉ କିମ୍ବା ଆମ୍ଫାନ ହଉ, ସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଲି ଆଲର୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆପଣମାନେ କେତେ ତୟାର ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକେ ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନଈକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବା ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।